हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप सो आपने सीएचएसएल का एग्जाम दे लिया होगा और आपको ये पता भी चल गया होगा कि एग्जाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आया है। जो एग्जाम आया बेटा वो इजी से मॉडरेट के बीच कहीं स्टैंड करता है, उससे ऊपर कुछ भी एग्जाम में नहीं हमें देखने के लिए मिला है। तो बच्चों बात करें कि अगर सब्जेक्ट्स के वाइज बात करें कि क्या क्या सब्जेक्ट्स में हुआ है, तो मैं आपको बताऊं कि जीएस में करंट अफेयर्स के 2022 के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उससे अलग नया कुछ नहीं आया। मतलब कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया कि बच्चों ने कंप्लेन की हो कि कुछ बहुत नया क्वेश्चन पेपर पूछा गया है जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ क्वेश्चन एज यूजुअल हर बार की तरह एक दो नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वो इस बार भी हमें देखने के लिए मिला है। साथ के साथ बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में अगर देखा गया है तो ज्यादातर क्वेश्चन बेटा कैलकुलेटिव ही आए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपने बस फॉर्मूला पुट किया है और क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। तो इसीलिए जिन बच्चों का मैथ्स अगर थोड़ा पुअर भी है, मतलब एवरेज भी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। जिनका बेस्ट है उन्होंने कहा है कि पेपर इजी है, लेकिन जिनका मॉडरेट है उन्होंने भी पेपर को अच्छे से सॉल्व करने किया है और सॉल्व हुआ भी है, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। रीजनिंग में भी इस बार देखने के लिए कुछ नया मिला नहीं है, एज यूजुअल पेपर आया है, सारे सेक्शंस आपसे पूछे गए हैं। और अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, जिसका मैं अपना मेरा अपना सब्जेक्ट है, तो मैं इंग्लिश में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि भाई इंग्लिश में अगर हम बात करें सीएचएसएल में क्या क्या हुआ है, तो मैं आपको बताऊं इंग्लिश में बेटा बिल्कुल भी कुछ नया नहीं है। और जो बच्चा लगातार हमारी क्लासेस को फॉलो कर रहा है उसने कहा है कि पेपर इजी है, मैं आपको ये बता दूं। और जो बच्चा बेटा थोड़ा पढ़ रहा है, मतलब उसने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है लेकिन एवरेज स्टूडेंट है, उसको भी पेपर मॉडरेट ही लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेपर है ना वो पढ़ने वाले बच्चे के लिए थोड़ा इजी गया है और एवरेज बच्चे के लिए मॉडरेट गया है, लेकिन किसी भी हिसाब से हम इसको डिफिकल्ट लेवल पे नहीं रख सकते हैं। अगर मैं थोड़े सब्जेक्ट की डिटेल में बात करूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमसे पूछे गए हैं, तो मैं आपको बताऊं बेटा वोकैब के सारे ही सेक्शन हमसे पूछे जा रहे हैं। जैसे सिनोनिम्स हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, साथ के साथ बेटा हमसे एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं, हमसे ईडियम्स भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है, हमसे ईडियम्स पूछे जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी एक अच्छा खासा रूल देखने के मिला है, और जैसा बच्चों ने बताया कि वो बेटे स्पेलिंग्स भी हैं। आप सब जानते हैं कि पेपर से बच्चों ने बताया है, ठीक है, उनसे हमने कॉल की है, 8-10 बच्चों का फीडबैक हमें मिल पाया अभी बहुत जल्दबाजी में, लेकिन जिन्होंने भी फीडबैक दिया है उनके हिसाब से ये सारी की सारी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। एरर डिटेक्शन भी आया है, एरर डिटेक्शन बहुत मुश्किल नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिक्स प्रीपोजिशन एज यूजुअल हमेशा होती हैं, तो वो इस बार भी आपको देखने के लिए एग्जाम में मिली हैं, तो फिक्स प्रीपोजिशन को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं ऐसे सेक्शन की जहां आप 100% बात करते हैं, जैसे आपने कहा एक्टिव और पैसिव वॉइस, या फिर बच्चों ने कहा नरेशन। तो बेटे दोनों ही चैप्टर देखने के लिए इस बार मिले हैं, एक्टिव पैसिव और नरेशन भी, लेकिन बच्चों का कहना यह है कि दोनों ही चैप्टर इतने इजी आए हैं कि अगर आपको बेसिक्स भी एक्टिव पैसिव और नरेशन के पता है, मतलब यू नो कि जो पोजिशन है वो कैसे चेंज होती है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तभी भी आप एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। यानी कि ऑप्शन को बहुत क्लासिकली प्लेस नहीं किया गया, बड़े नॉर्मल तरीके से प्लेस कर दिया गया। सेम नरेशन में भी हुआ है, अगर आपको बेसिक्स आते हैं कि पास्ट के साथ पास्ट आता है, तो आप नरेशन के क्वेश्चंस भी बना पा रहे हैं, बहुत अच्छे से बना पा रहे हैं, ठीक है। इससे अलग बच्चों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल नहीं पूछा गया है, ठीक है, और पैरा जंबल सेंटेंसेस पूछे गए हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको फिर बताता हूं, जो बच्चा लगातार मॉक टेस्ट दे रहा है, हमें फॉलो कर रहा है, वोकैबुलरी पढ़ रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसको कहीं दिक्कत नहीं लगी है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश के पेपर में जो बच्चे कहते हैं ना पेपर डिफिकल्ट था, उनको बाकी सब कुछ आता है, वोकैब में ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो बच्चे हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने हजारों वर्ड पढ़े हैं बेटे, इतने सारे वर्ड्स हम डेली प्रैक्टिस कराते हैं, तो उन्होंने उस पेपर की जो रैंकिंग है वो इजी में रखी है। तो जो लगातार फॉलो कर रहे हैं उनके लिए पेपर आसान आया है, लेकिन किसी भी एवरेज बच्चे के लिए बेटा पेपर मॉडरेट है, लेकिन डिफिकल्ट इस पेपर के साथ बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है। तो बच्चों मैं आपको ये बताऊं कि ये आज पहली वाली शिफ्ट का एनालिसिस था जिसमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जितने बच्चों ने भी हमें बताया है उन बच्चों के हिसाब से पेपर इजी टू मॉडरेट के बीच में कहीं था। सीएचएसएल एनालिसिस की बेटा जो ऑल शिफ्ट्स हैं उसका डिस्कशन शाम को 6 बजे होगा 6 PM पे, तो इस सेशन को जरूर आप अटेंड करें। शाम को 6 बजे बेटा एक बार हम मिलते हैं सारी शिफ्ट्स के एनालिसिस को लेकर, और तब हम बात करते हैं कि क्या क्या हुआ है। लेकिन मैं होप करता हूं कि नया कुछ नहीं आने वाला है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहूंगा बेटा किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट या कंटेंट में फंसने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जितना भी आपने पिछले 6 महीने में पढ़ा है उस सारे ओल्ड कंटेंट को बेटा
आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करके चले जाए। ये मेरा आपके लिए एग्जाम टाइम पे बहुत अच्छा सजेशन है कि जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं उसमें नया नहीं पूछा जा रहा है, तो नई चीजों में फंसना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होने वाला है आज की डेट में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि भाई जितनी भी चीजें, सुनो, जो भी चीजें आपने की हैं 6 महीने 1 साल से आप तैयारी कर रहे हो, उन सबको कंपाइल करो और एक रात में सबको चाट के चले जाओ, रट्टा मार के चले जाओ। कल बेटा आपका पेपर एज इट इज छपने वाला है। वोकैब ऐसे टाइम पे बहुत अच्छा रोल प्ले करती है क्योंकि आपने अच्छी खासी वोकैब याद कर रखी है, तो क्यों ना एक पूरी की पूरी जो लिस्ट आपने तैयार की है उसको एक बार देख लिया जाए, कम से कम एक बार तो उसका पूरा रिविजन कर ही लिया जाए क्योंकि वोकैब आपको डायरेक्ट नंबर प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। और जो आप देख रहे हो करंट अफेयर जिसके लिए आप वरीड रहते हैं वो 2022 का पूछा जा रहा है, नॉर्मल इंसिडेंट पूछे जा रहे हैं, जो मेन फैक्ट्स हैं उनको पूछा जा रहा है, मैथ्स कैलकुलेटिव है तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भाई पहली शिफ्ट के एनालिसिस के हिसाब से है। आशा करते हैं कि बाकी सारी शिफ्ट भी ऐसी ही होंगी, लेकिन शाम को 6 बजे हम सारी शिफ्ट का एनालिसिस लेके आपके सामने आएंगे, तब हम ये बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि अच्छा डेटा कलेक्ट कर पाएंगे कि ऑनेस्टली पेपर कैसा गया है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, तो भाई आज ही एमवाइब की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं भाई शाम को 6 बजे, ज्वाइन करना ना भूलें सारी शिफ्ट के एनालिसिस के साथ में, और जो बच्चे बाकी बच्चे एग्जाम्स देने वाले उनको मदद नहीं बहुत 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 ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो मिलते हैं बच्चों, जय हिंद, टेक केयर, समय नोट कर लेंगे आज शाम 6 बजे, टेक केयर बच्चों।